टेस्ट ट्यूब में हमने स्टार्च का सॉल्यूशन तैयार कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम स्टार्च में आयोडीन डालेंगे। और आप ये देखो, आयोडीन का कलर ऐसा है,
जैसे हम स्टार्च के इसमें डालेंगे क्या होगा? नीला। ये ब्लैक तो नहीं कह सकते, गहरा नीला। ठीक है, ये हो गया। मतलब ये कन्फर्मेशन टेस्ट है कि स्टार्च आयोडीन की उपस्थिति में क्या करता है, गहरे नीले रंग का हो जाएगा। ठीक, अब इसके अंदर भी डालते हैं हम। ठीक, डाल दिया दोनों में। ठीक है, अब देखो ये भी आयोडीन और स्टार्च का सॉल्यूशन है, ये भी आयोडीन और स्टार्च का सॉल्यूशन। अब इन दोनों के ही अंदर हम क्या डालते हैं? लाल। ये टाइलिन एंजाइम जिसमें है ये लाल डालते हैं। खत्म ही हो गया। ये पंखा बंद करके ये चलाओ। मोमबत्ती इसको इसी में डाल देते। देखो अब जल्दी करो नहीं तो कलरलेस हो जाएगा। फटाफट ये चलाओ मोमबत्ती। अब देखो ये पूरा का पूरा क्या है, आयोडीन के कारण ब्लू है, लेकिन इसमें हमने लाल मिला चुके हैं। टाइलिन एंजाइम है, अब वो टाइलिन क्रिया कर रहा है स्टार्च पे, वो थोड़े समय बाद देखना आप यहाँ। और अब इधर हम इसको क्या कर रहे हैं, वैसे तो स्पिरिट लैम्प चाहिए हमें। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी उसको नीचे, वो नीचे लगा दो, नीचे लगा दो। इधर भी देखते रहना जी। एक तो तुम लोग क्या लार बहुत कम लेकर आए, कुछ बिना रबर चबाए भी हो जाता था। अब इसको हम गरम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, टाइलिन निष्क्रिय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसकी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक सारी संरचनाएं टूट जाएगी, वो विकृत हो जाएगा। तापमान पाकर जितने भी प्रोटीन है, आप खुद देखो, किसी जले हुए व्यक्ति को देखा है कभी या उसकी चमड़ी देखी है कैसी हो जाती है? वो सही होती है कभी? क्योंकि हमारी स्किन भी क्या है, प्रोटीन थोड़ा सा भी गर्म होता है तो उसकी संरचना कैसी हो जाती है, जली हुई स्किन देखी है ना, और वो कभी ठीक भी नहीं होती है। तो बातें लार थोड़ी सी ज्यादा होती ना तो अभी तक सब हो जाता। अब देखो इसको हमने चालू अब इसको गरम करा हमने तो अंदर टाइलिन नष्ट हो चुका है, विकृत हो चुका है। यहाँ पर देखो कोई जैसा कलर था वैसे ही बना हुआ है। और एक आप यहाँ देखिए कहाँ पर ये पूरा कैसा था, ब्लू कलर का था, लेकिन यहाँ देखो इसकी पास लाके देखो ये कलर लेस हो चुका है। अभी थोड़ी देर इसको और पड़ा रहने देंगे हम तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, रंगहीन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि तापमान पाकर एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। और एंजाइम क्यों नष्ट हुए, क्योंकि प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ये लिखा हुआ भी है कि एंजाइम ताप के प्रभाव के कारण विकृत हो जाता है।
और हमारा जो रूम का टेम्परेचर ही क्या रहता है 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य, न्यू तो 25 डिग्री मानते हैं, लेकिन इसकी जो क्रिया हो रही है मतलब 37 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। तो ये अच्छे से क्रिया कर रहा है, आप खुद ही देखो कि सॉल्यूशन हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, कलरलेस। और पहले देखा ही था हमने कि पूरा कलर था, और यहाँ पर भी देखो हो गया। नहीं नहीं ये तो क्या होता नहीं, धीरे धीरे हो रहा देखो। पर वैसा कहाँ हुआ, उसका वही है वो एकदम। हाँ तो इससे क्या प्रूव हो रहा है, तापमान के तापमान के कारण एमआरएस नष्ट हो जाता है, अधिक तापमान पर भी नष्ट हो जाते हैं, और कम तापमान, कम और अधिक दोनों ही तापमान पे क्रियाशील नहीं होते हैं। एक कमरे के तापमान पर ही एंजाइम सक्रिय होते हैं और क्रियाशील होते हैं, और अधिक तापमान देने के कारण ये नष्ट हो जाता है। ये हमारा प्रैक्टिकल, समझ में आया? यस मैम। ठीक।